सर गुरिंदर, मेरा नाम गुरिंदरजीत सिंह सैनी है और मेरी एज 48 ईयर्स है। मेरे को 2 साल से तकरीबन स्नोरिंग बहुत हो रहा था और मेरा बीपी भी काफ़ी अप हो रहा था। सुबह उठते ही मेरा बीपी हो जाता था 110 और 160, ऐसे रहता था, 150-160 रहता था ऊपर वाला। और अभी मैं 15 दिन पहले अभी मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर विकास के अग्रवाल साहब ने किया, तो अभी मेरा मैं 15 दिन में काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ और मेरे को कोई स्नोरिंग नहीं है। और मैं खाने में भी अभी काफ़ी मतलब लिक्विड में मतलब दाल दलिया वगैरह सब खा सकता हूँ और अभी मेरे को पेन भी नहीं है थ्रोट में, कुछ नहीं है और सोने में भी बहुत आराम है। और अभी जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा बीपी भी जो है वो 80-120 रहता है और नॉर्मल तो पूरा दिन तो ठीक रहता ही था, तो मेरा बीपी का भी प्रॉब्लम चला गया और स्नोरिंग का भी मेरा। आई एम वेरी थैंकफुल, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया मेरा, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। इनको रात को सोते समय क्या झटके आते थे, क्या होता था? हाँ जी सर, इनको झटके आते थे, रात सोने में एकदम सांस बंद हो जाता था इनका, फिर कई बार रात को जो इनकी आवाज़ें आती थी वो आवाज़ नहीं आ रही, मैं इनको उठाती थी क्या हुआ, तो फिर एकदम झटके से उठते मेरा सांस ऐसे लगता बंद हो रहा है। तो ऐसे काफ़ी टाइम से चल रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अभी इसका क्या ट्रीटमेंट करें, तो लेकिन अभी इधर हमने करवाया है तो बहुत अच्छे से हो गया है। अभी 15 दिन में फिर वो झटके आने बिल्कुल बंद हो गए? बिल्कुल बंद हो गए, बिल्कुल जैसे नॉर्मल आदमी सोता है ऐसे सोते हैं, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं बगल में, कुछ नहीं है, तो एकदम बहुत बढ़िया ये हो गया है, तो अच्छा लग रहा है अभी।